हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे कुकिंग चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ देसी और पारंपरिक रेसिपी जिसका नाम है गुड़ के मीठे चावल। कई स्टेट्स जैसे उत्तराखंड और महाराष्ट्र में इसे मीठा भात भी कहा जाता है। गुड़ के ये मीठे चावल खाने में बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और बनाने में बहुत आसान होते हैं। इन खिले खिले मीठे चावलों को मैं आज प्रेशर कुकर में बनाऊंगी, जिससे ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं गुड़ के इन मीठे चावलों को बनाना। गुड़ के इन मीठे चावलों को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 कप या 250 ग्राम बासमती चावल, 250 ग्राम कुटा हुआ गुड़। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों की क्वांटिटी सेम रखी है, तो यहाँ पर मैं मेजरिंग कप से मेजर कर रही हूँ इन दोनों को। तो सबसे पहले मैं यहाँ चावल को अच्छे से साफ पानी से वॉश कर लूंगी और आधे घंटे के लिए इसे भिगो कर रखूंगी। इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। मैंने यहाँ पर लिए हैं 10 से 12 काजू, इसको दो भागों में डिवाइड कर लिया है। 10 से 12 बादाम, इसको पतले पीसेस में कट कर लिया है। और कटे हुए 10 से 15 नारियल के पीस और कुछ किशमिश। और लिए हैं 2 से 3 बड़े चम्मच घी और फ्लेवर के लिए आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच सौंफ ली है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर गुड़ को पानी के साथ बॉईल करूंगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक बर्तन में डाल रही हूँ 2 कप और थोड़ा सा और पानी। यहाँ पर मैंने 2.25 कप के लगभग पानी डाल दिया है। तो क्योंकि हम यहाँ पर गुड़ के मीठे चावल बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा यहाँ पर पानी ज्यादा ही ऐड करना है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी सारा कुटा हुआ गुड़। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे एक बार। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम रखा है, तो गुड़ को हमें यहाँ पर मेल्ट होने तक बॉईल करना है पानी। Thank you.
वैसे तो चावल एक सीटी में कुक हो जाते हैं, लेकिन जब हम गुड़ के साथ इन चावलों को पकाते हैं तो चावल को पकने में ज्यादा समय लगता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर दो विसल आने तक इसे कुक करेंगे। यहाँ पर दो विसल आ चुकी है, गैस का फ्लेम मैं अब यहाँ पर बंद कर लूंगी। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद करने के बाद 10 मिनट बाद इसका जो प्रेशर है वो रिलीज हो चुका है, तो ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे आपको स्पैचुला से दिखाती हूँ, बहुत ही खिले खिले हमारे ये चावल बनकर तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर इन चावलों का आया है। हमारे ये चावल सर्व करने के लिए यहाँ पर तैयार है। यहाँ पर गुड़ के इन मीठे चावलों को मैं सर्व कर रही हूँ एक सर्विंग प्लेट में। तो आप इन खिले खिले टेस्टी और हेल्दी मीठे चावल की इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। मैं आशा करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।